गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम दुड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 PLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम BA सेकेंड ईयर हिस्ट्री फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधार। आज हम फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने फिरोज तुगलक का प्रारंभिक जीवन और वह किन कठिन परिस्थितियों में दिल्ली का सुल्तान बना, किस प्रकार उलेमा वर्ग अमीर सरदारों ने सर्वसम्मति से फिरोज तुगलक का दिल्ली का सुल्तान बनना स्वीकार किया था, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात फिरोज तुगलक दिल्ली का सुल्तान बनता है। फिरोज तुगलक जिसका जन्म 1309 ईस्वी में हुआ माना जाता है, इसका मूल नाम जो है कमालुद्दीन फिरो है। फिरोज तुगलक का मूल नाम कमालुद्दीन फिरो है। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के 3 दिन बाद फिरोज तुगलक का राज्यारोहण 20 मार्च 1351 ईस्वी को खट्टा में सिंधु नदी के तट पर हुआ था। 43 वर्ष की उम्र में फिरोज तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना था। 45 वर्ष की उम्र में फिरोज तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना था। फिरोज तुगलक के शासनकाल में न तो मंगोल आक्रमण हुए और न ही अकाल पड़ा था। उपाधि सैयद उस सलातीन, ये उपाधि फिरोज तुगलक को प्रदान की थी और यह उपाधि खलीफा से उसे प्राप्त हुई थी। सल्तनत का अकबर इतिहासकार एल फिंस्टन और एलियट ने फिरोज तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा है। इसके अलावा सल्तनत का जायसी, क्योंकि भवन निर्माण करने के कारण इतिहासकारों द्वारा फिरोज तुगलक को सल्तनत का जायसी उपाधि भी दी गई है। सल्तनत का जायसी भवन निर्माताओं का राजा, सल्तनत का जायसी भवन निर्माताओं का राजा। बर्नी ने इसे दिल्ली सल्तनत का एक आदर्श मुसलमान कहा है। बर्नी ने इसे दिल्ली सल्तनत का एक आदर्श मुसलमान कहा है। फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा रज्जब का पुत्र था। इसकी मां मोइला देवी एक राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। तो इस प्रकार फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात 3 दिन बाद दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। उलेमा वर्ग और अमीर सरदारों के सहयोग से फिरोज तुगलक दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। शासक बनते समय फिरोज तुगलक की आयु 45 वर्ष थी। फिरोज तुगलक एक आदर्श मुसलमान था, स्वभाव से दयालु, न्यायप्रिय, श्रेष्ठ, ईश्वर से डरने वाला शासक था, जिसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक जनहित कार्य करवाए थे। लेकिन सैनिक दृष्टि से फिरोज तुगलक एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। यही कारण है कि उसके शासनकाल में अनेक प्रदेश दिल्ली से स्वतंत्र हो गए थे। तो फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधार कुछ इस प्रकार से रहे हैं। नंबर 1 है राजस्व सुधार। नंबर 2 आरक्षण करों को समाप्त करना। इसने
सार्वजनिक हित के कार्य, सार्वजनिक निर्माण कार्य, फिरोज तुगलक की न्याय व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, शिक्षा और साहित्य में इसकी रुचि और फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति। इसके अंतर्गत फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधारों की जानकारी आइए अब हम प्राप्त करते हैं। नंबर एक, राजस्व सुधार। फिरोज तुगलक ने उन सभी तकाबी ऋणों को माफ कर दिया जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिए गए थे। उसने ख्वाजा इसामुद्दीन को राज्य की आय व्यय का विवरण तैयार करने के लिए कहा। इसामुद्दीन ने 6 वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद केंद्रीय भूमि का जो राजस्व है वह 6,85,00,000 टन का वार्षिक निश्चित किया था। राजस्व कर्मचारियों के वेतन भी बढ़ा दिए गए थे ताकि वे किसी प्रकार की बेईमानी न कर पाए। इस प्रकार फिरोज तुगलक ने राजस्व के संबंध में महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए। फिर है नंबर दो, अनावश्यक करों को समाप्त करना। नंबर दो है अनावश्यक करों को समाप्त करना। तो फिरोज तुगलक ने कुरान के अनुसार 24 प्रकार के करों को समाप्त किया और 4 प्रकार के कर लगाए थे। पहला था खराज, अर्थात से भूमिकर कहा गया है। खमस, युद्ध में प्राप्त लूट का 1/5 भाग राज्य का होता था और 4/5 भाग सैनिकों का। तीसरा है जजिया, यह हिंदुओं से वसूल किया जाने वाला कर था। नेक्स्ट है जकात, जो कि मुसलमानों से उनकी आय का 2.5% लिया जाता था और हिंदुओं से यह कर 5% था। तो इस प्रकार फिरोज तुगलक ने 4 कर महत्वपूर्ण लगाए और अन्य करों को समाप्त कर दिया था, खराज, खमस, जजिया, जकात। ये 4 कर फिरोज तुगलक के द्वारा अपनी प्रजा पर लगाए गए थे। करों से प्राप्त होने वाले धन को धार्मिक कार्यों में खर्च किया जाता था। इसके अलावा सुल्तान ने उलेमाओं की स्वीकृति से किसानों पर सिंचाई कर लगाया था जो कि किसानों से 1/10 भाग के रूप में वसूल किया जाता था। तो इस प्रकार उलेमा वर्ग ने राजनीति में हस्तक्षेप किया। चूंकि फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग के सहयोग से ही सुल्तान बना था, अतः फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की सलाह के अनुसार ही शासन कार्य किया करता था। नेक्स्ट है दीन पर भाग लगाना। फिरोज तुगलक ने दिल्ली के आसपास फलों के 1200 बाग लगवाए थे। फिरोज तुगलक को बाग लगवाने का शौक था, अतः उसने अपने राज्य की आय बढ़ाने का निश्चय किया और दिल्ली के आसपास उसने फलों के 1200 बाग लगवाए थे जिससे 1,80,000 टन का वार्षिक अतिरिक्त आय होने लगी थी और इससे दिल्ली वासियों को भी काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है सिंचाई को प्रोत्साहन देना। सिंचाई को प्रोत्साहन देना। इस प्रकार फिरोज तुगलक ने सिंचाई को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अनेक नहरों का निर्माण करवाया था और सिंचाई के साधनों को उसके द्वारा विकसित किया गया। फिरोज तुगलक की आज्ञा से 5 बड़ी नहरें बनवाई गई थी। सबसे महत्वपूर्ण नहर यमुना नदी से हिसार तक जाने वाली थी जो कि 150 मील लंबी थी। सबसे पहली और महत्वपूर्ण जो नहर है यमुना नदी से हिसार तक जाती थी जो कि 150 मील लंबी थी। दूसरी नहर 96 मील लंबी थी जो कि सतलज से घग्गर तक जाती थी। तीसरी नहर मांडवी और सिरमौर की पहाड़ियों से हांसी तक जाती थी। तीसरी नहर मांडवी और सिरमौर की पहाड़ियों से हांसी तक जाती थी। चौथी नहर घग्गर से फिरोजाबाद और पांचवी नहर
यमुना से फिरोजाबाद तक जाती थी। इस प्रकार फिरोज तुगलक ने कृषकों के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। परिष्ठा के अनुसार सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज ने अनेक बांध, तालाब, कुओं का निर्माण भी करवाया था। यात्रियों की सुविधा के लिए इसने अनेक कार्य किए। फिरोज तुगलक के द्वारा 160 कुएं खुदवाए गए थे। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने से नहरों के आसपास अनेक नई बस्तियां भी स्थापित हो गई थी। इस प्रकार किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से फिरोज तुगलक के द्वारा अनेक नहरें, तालाब, कुएं आदि बनवाए गए। फिर है फिरोज तुगलक के कार्यों का महत्व। फिरोज तुगलक के सार्वजनिक हित के कार्य। फिरोज तुगलक ने सार्वजनिक हित के लिए निम्नलिखित कार्य किए थे। सबसे पहले फिरोज तुगलक ने बेरोजगार मुसलमानों के लिए एक रोजगार दफ्तर स्थापित किया था। तो रोजगार विभाग सर्वप्रथम फिरोज तुगलक के द्वारा ही खोला गया। इस दफ्तर में बेकार लोगों को काम दिया जाता था और उन्हें योग्यता के अनुसार कार्य सौंपा जाता था। तो सार्वजनिक हित के कार्यों के संबंध में पहला जो कार्य था, फिरोज तुगलक ने बेरोजगार मुसलमानों के लिए एक रोजगार दफ्तर स्थापित किया जहां बेरोजगारों के नाम लिखकर उन्हें काम दिया जाता था। नंबर दो, फिरोज तुगलक ने एक दानशाला अर्थात दीवान ए खैरात भी खोली जिसमें निर्धन और असहाय मुसलमानों की वयस्क पुत्रियों के विवाह के लिए उत्तम व्यवस्था की गई थी। इसके साथ साथ मुस्लिम विधवाओं और अन्य बच्चों की जो परवरिश है वह भी इसके द्वारा की जाती थी। इसके साथ साथ फिरोज तुगलक ने एक विशाल चिकित्सालय की स्थापना की जिसमें रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा के साथ साथ भोजन भी उपलब्ध करवाया जाता था। तो इस प्रकार फिरोज तुगलक ने सार्वजनिक हित के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण कार्य करवाए थे। सार्वजनिक हित के बाद आइए अब हम देखते हैं फिरोज तुगलक के सार्वजनिक निर्माण कार्य कौन से रहे। तो फरिश्ता के अनुसार फिरोज तुगलक ने सार्वजनिक उपयोगिता के भवनों को बनाने में काफी रुचि ली। उसके शासनकाल में 40 मस्जिदें, 30 विद्यालयों, 20 महलों, 100 सरायों, 100 अस्पतालों, 5 मकबरों और 100 सार्वजनिक स्नानघरों, 15 कुंडों का निर्माण करवाया गया था। फिरोज तुगलक ने नगर भी बसाए। फिरोज तुगलक ने 5 नगर भी बसाए थे जो कि निम्नलिखित हैं। फिरोज तुगलक के द्वारा हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद और फतेहबाद जो नगर है फिरोज तुगलक के द्वारा ही बसाए गए थे। इस प्रकार फिरोज तुगलक को सार्वजनिक निर्माण कार्यों में काफी रुचि रही थी। यही कारण है कि उसे सल्तनत का जयसिंह एवं भवन निर्माताओं का राजा भी कहा गया है क्योंकि इसके द्वारा अनेक भवनों, महलों और नगरों का निर्माण करवाया गया और बर्मी ने इसे दिल्ली सल्तनत का एक आदर्श मुसलमान भी कहा। नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था। तो फिरोज तुगलक की न्याय व्यवस्था, फिरोज तुगलक की न्याय व्यवस्था काफी उदार थी और इस्लामी कानूनों पर आधारित थी। न्याय तथा धर्म विभाग के पद उलेमा वर्ग के लिए ही सुरक्षित रखे गए थे। मुसलमानों के लिए कठोर दंड विधान के स्थान पर उदार दंड विधान अपनाया गया था।
जबकि हिंदुओं के लिए उसका दंड विधान कठोर था, वह मुसलमानों के लिए फिरोज तुगलक का दंड विधान काफी उदार था। राजधानी में मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया था। शारीरिक यातनाएं देना फिरोज तुगलक के द्वारा बंद कर दिया गया था। शारीरिक यातनाएं देना फिरोज तुगलक के द्वारा बंद कर दिया गया था, जिससे कि अपराधियों के हौसले बुलंद होते चले गए और उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। नेक्स्ट है दास व्यवस्था। फिरोज तुगलक को बड़ी संख्या में दासों को रखने का शौक था, इसलिए उसके शासनकाल में दास प्रथा को काफी प्रोत्साहन भी मिला। उसने अपने प्रांतीय अधिकारियों को भी आदेश दे रखे थे कि उसके पास अधिक से अधिक दास भिजवाए जाएं। फिरोज तुगलक के पास कुल 180,000 दास थे। जिनमें की 12,000 दास कारखानों में लगे हुए थे, 40,000 दास शाही महल में नियुक्त थे। इन दासों की भोजन व्यवस्था के लिए विशेष प्रबंध किया गया था। इनकी देखरेख की भी उत्तम व्यवस्था रही थी। राज्य की ओर से इन्हें नगद वेतन दिया जाता था। तो इस प्रकार फिरोज तुगलक के पास कुल 180,000 दास थे। इनकी देखभाल के लिए एक अलग विभाग अधिकारी नियुक्त किया गया था। 40,000 दास शाही सेवा में फिरोज तुगलक की सेवा में नियुक्त किए गए थे। शेष गुलामों को भी विभिन्न प्रांतों में नियुक्तियां प्रदान की गई थी। इस प्रकार फिरोज तुगलक के शासनकाल में दास प्रथा को विशेष प्रोत्साहन मिला था। फिरोज तुगलक के शासनकाल में दास प्रथा को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था। नेक्स्ट है सैन्य व्यवस्था। फिरोज तुगलक एक अयोग्य सेनानायक था। इसे युद्धों में रुचि नहीं थी, अतः इसने सैन्य संगठन सुधारने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। फिरोज तुगलक के शासनकाल में न तो मंगोल आक्रमण हुए और न ही कोई अकाल पड़ा था। इन्होंने सैनिकों को नगद वेतन देने की बजाय जागीरें देना शुरू कर दिया था, जो कि कालांतर में सल्तनत के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। इस प्रथा से भ्रष्टाचार काफी फैला और सैनिकों का जो अनुशासन था वह भी अब लड़खड़ा गया था। फिरोज तुगलक ने सैनिक सेवा वंशानुगत कर दी थी, अर्थात सैनिकों के बूढ़े हो जाने के बाद उसका पुत्र या दास उसके स्थान पर अपनी सेवाएं दे सकता था, अर्थात योग्यता का महत्व समाप्त हो गया था। सेना में अयोग्य व्यक्ति भर गए थे, जिन्हें की सैन्य संचालन व्यवस्था का कोई अनुभव प्राप्त नहीं था, क्योंकि फिरोज तुगलक के द्वारा सैन्य व्यवस्था वंशानुगत कर दी गई थी। इस प्रकार योग्यता व शारीरिक क्षमता का महत्व फिरोज के शासनकाल में समाप्त हो गया था, जिसके कारण उसकी सैन्य शक्ति काफी कमजोर पड़ गई और वह तुगलक वंश के पतन के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुई थी। इसके अलावा फिरोज तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित घोड़ों को दागना और सैनिकों का हुलिया नोट करना, ये प्रथाएं भी त्याग दी थी। नेक्स्ट है शिक्षा और साहित्य। सैन्य व्यवस्था के पश्चात है शिक्षा और साहित्य। फिरोज तुगलक को शिक्षा और साहित्य में काफी रुचि थी। फिरोज तुगलक स्वयं भी एक अच्छा साहित्यकार था और साहित्य अन्य साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान करता था। फिरोज तुगलक ने स्वयं फतवात ए फिरोज शाही नामक एक ग्रंथ भी लिखा था।
तो फिरोज तुगलक ने शिक्षा में विशेष रुचि ली थी, इसके परिणाम स्वरूप उसने अनेक पाठशालाओं, विद्यालयों और मठों की स्थापना करवाई और उनमें विद्वान लोगों को नियुक्ति प्रदान की थी। इनमें विद्वान लोगों को नियुक्ति प्रदान की गई थी। शिक्षण संस्थाओं को सरकार की ओर से नियमित अनुदान दिया जाता था। योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी तथा विद्वानों व साहित्यकारों को फिरोज संरक्षण प्रदान करता था। सुल्तान को इतिहास में विशेष रुचि थी। बरनी और शमशे शिराज अफीम दोनों साहित्यकारों ने अपने ग्रंथ में फिरोज अपने जो ग्रंथ हैं फिरोज तुगलक के संरक्षण में ही लिखे थे। फिरोज तुगलक स्वयं भी अच्छा साहित्यकार था। उसने अपनी आत्मकथा फतवात ए फिरोज शाही स्वयं लिखी थी। उसकी रुचि व राजकीय संरक्षण में फारसी भाषा का भी काफ़ी विकास हुआ और उसे संरक्षण प्रदान किया गया और इस्लामी धर्म ग्रंथों और कानून आदि पर अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ फिरोज तुगलक के शासनकाल में लिखे गए थे। इस प्रकार फिरोज को साहित्य और शिक्षा में काफ़ी रुचि रही थी। यही कारण है कि उसने विद्वान व साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट है फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति जो कि उसके साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी भी कराई जाती है। तो फिरोज तुगलक एक धर्मांत व्यक्ति था और एक असहिष्णु सम्राट था। अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद बिन तुगलक ने चूंकि धर्म को राजनीति से अलग रखा था, लेकिन फिरोज तुगलक ने उलेमा वर्ग के सहयोग से सलाह के अनुसार शासन कार्य करता था, अर्थात धर्म का राजनीति में प्रवेश हो गया था। और इस प्रकार फिरोज ने धर्म को राजनीति पर आधारित बना दिया था। इसका मूल कारण यही था कि फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग के सहयोग से दिल्ली का सुल्तान बना था। यही कारण है कि वह उलेमा वर्ग की सलाह के अनुसार शासन कार्य करता था और उलेमाओं से परामर्श सलाह लिया करता था। उसका धार्मिक दृष्टिकोण काफ़ी संकीर्ण था। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना फिरोज तुगलक अपना मुख्य धर्म मानता था। यही कारण है कि हिंदुओं के प्रति उसकी नीति कठोर रही थी। उसने बलपूर्वक हिंदू लोगों से धर्म परिवर्तन करवाया, हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसकी जगह मस्जिदों का निर्माण करवाया गया। उसने अनेक ब्राह्मणों को भी जिंदा जलवा दिया और हिंदुओं पर जजिया कर भी लगाया। फिरोज तुगलक ने घोषणा की कि जो कोई भी इस्लाम धर्म ग्रहण करेगा उसे जजिया कर से मुक्त किया जाएगा। फिरोज तुगलक अपने आप को केवल मुसलमान शासक मानता था। मजूमदार ने ठीक ही लिखा कि फिरोज उस युग का सबसे महान धर्मांत सुल्तान था। फिरोज की धार्मिक नीति के कारण ही तुगलक वंश का पतन हुआ और तुगलक वंश की जो नींव है हिल गई थी। अब आइए देखते हैं फिरोज तुगलक का मूल्यांकन। तो फिरोज तुगलक के व्यक्तिगत चरित्र के बारे में आधुनिक इतिहासकार एक मत नहीं हो पाए, जबकि उसे समकालीन इतिहासकार बर्नी और अफीप ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे एक न्यायप्रिय, दयालु, उदार, आदर्श शासक बताया। इनके विवरणों के आधार पर है एलियट और एल फिंस्टन ने उसे सल्तनत काल का अकबर कहा। यह ठीक है कि उसके समय में शांति व्यवस्था बनी रही थी। सौभाग्य से उसे मंगोल संकट का सामना नहीं करना पड़ा था, न ही उसके समय अकाल पड़े थे। फिरोज के सुधारों के परिणाम स्वरूप कृषि, व्यापार, उद्योग धंधों की काफ़ी उन्नति भी हुई थी। जनता में सुख समृद्धि बढ़ी थी, परंतु उसके चरित्र में कुछ दोष भी थे। शासन व्यवस्था में कई कमियां रही थी। सैनिक अभियानों में जिसके परिणाम स्वरूप
फिरोज को सैनिक अभियानों में असफलता हाथ लगी थी। हिंदू जनता के प्रति इसका व्यवहार अच्छा नहीं था। धार्मिक दृष्टिकोण फिरोज तुगलक का संकीर्ण ही रहा और हिंदुओं के प्रति इसने एक कठोर नीति अपनाई। अनेक मंदिरों को तोड़वाकर मस्जिदों का निर्माण करवाया तथा हिंदू लोगों से बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवाया गया था। अनेक ब्राह्मणों को जिंदा जलवा दिया गया था, जिसके कारण हिंदू वर्ग के लोग इससे घृणा करते थे। यही कारण है कि वी ए स्मिथ का मत है कि फिरोज तुगलक की अकबर से तुलना करना मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि अकबर एक धर्म सहिष्णु सम्राट के रूप में जाना जाता है, जिसने मुस्लिम प्रजा के साथ साथ हिंदू प्रजा के हितों का भी विशेष ध्यान रखा था। धार्मिक दृष्टिकोण भी अकबर का अच्छा था, आदर्श था, जबकि फिरोज तुगलक का धार्मिक दृष्टिकोण संकीर्ण विचारों का है, अतः इसे सल्तनत का अकबर नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने भी लिखा है कि फिरोज में उस विशाल हृदय अर्थात अकबर तथा विस्तीर्ण मस्तिष्क वाले सम्राट का प्रतिभा का शतांश भी नहीं था, अर्थात अकबर से इसकी तुलना करना बिल्कुल भी गलत है, जिसने सार्वजनिक हित के उच्च मंच में सभी संप्रदायों और धर्मों के प्रति शांति सद्भावना और सहिष्णुता का संदेश दिया था। अकबर ने धार्मिक नीति के चलते हिंदू मुस्लिम प्रजा को निकट लाने का प्रयास किया था, इसके कारण हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय स्थापित हुआ, जबकि फिरोज तुगलक अपनी प्रजा के साथ भेदभाव करता था। मुस्लिम प्रजा के प्रति इसका व्यवहार अच्छा था, जबकि हिंदू जनता के प्रति फिरोज तुगलक का व्यवहार अच्छा नहीं था, अतः इसे सल्तनत काल का अकबर नहीं कहा जा सकता। जबकि फिरोज तुगलक की दयालुता क्षमाशीलता आदि बातें केवल मुसलमानों तक ही सीमित थी, हिंदू लोगों के प्रति उसका व्यवहार पक्षपात पूर्ण था। उसने उलेमा वर्ग के प्रभाव में आकर ही हिंदुओं के प्रति कठोर नीति अपनाई थी, जिसके कारण उसने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करवाया, हिंदू जनता पर जजिया कर लगाया। ऐसे व्यक्ति की अकबर के साथ तुलना करना गलत होगा। उसकी धार्मिक नीति तुगलक वंश के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराई जाती है, जबकि अकबर की धार्मिक नीति के परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ था। अतः कुल मिलाकर फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति तुगलक वंश के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराई गई। अतः फिरोज तुगलक उच्च कोटि का आदर्श शासक था पूरी तरह से सही नहीं है। मुस्लिम प्रजा के साथ इसका अच्छा व्यवहार जरूर रहा था, लेकिन हिंदू जनता के प्रति इसका व्यवहार अच्छा नहीं था। उसकी शासन व्यवस्था की सफलता का जो श्रेय है वह उसके योग्य वजीरों और कुछ अधिकारियों को दिया जाता है, या फिर उसके भाग्य को दिया जाता है कि फिरोज तुगलक ने 37 वर्ष तक शासन किया। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधार अकबर से उसकी तुलना यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।